नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को दूसरा दिन का जो प्रोग्राम है उसमें जाने से पहले जो पहला दिन जो जो गोल्डन टेम्पल, बागावाडा और जालियांवाला बाग में जो जहाँ पे हम लोग घुमाया था उसी का कुछ पल का फोटो आप लोगों को साथ शेयर कर रहा हूँ। वो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा और दिल में, और जो भाई लोग आया नहीं वो इसी लोकेशन का पिक्चर वगैरह देख के और इंटरेस्टिंग अनुभव करे और आने का प्लानिंग बनेगा। तो आप लोग ये फोटो गैलरी को तो आनंद लीजिए और हमारा इसी के हमारा उस इंफॉर्मेशन हमारा बंगाली भाई लोगों को भी बताता हूँ। जे सब भाई लोग एखाने आसते चाओ हमारे वेस्ट बेंगल थेके, अपनादेर के जाना ये जायगाटा निसंदेह खूब सुंदर जायगा। अपनारा এখানে এসে ঘুরে যেতে পারেন যদিও আপনাদের হাতে টাইম থাকে এবং কোনো সময় সংযোগ হয়ে থাকে। এই আসা যাওয়ার রাস্তায়, এই অমরনাথ যাওয়ার রাস্তায় বা চাই বৈষ্ণোদেবী যাওয়ার রাস্তায় সিমলা বাগারা যে উত্তরাখণ্ড হিমাচল প্রদেশ এখন যখন ট্যুরের প্রোগ্রাম থাকে সাথে সাথে এখানে কমসে কম একদিন, একদিনও দিলেও আপনারা মেন মেন এই যে এই মেন তিনটে জায়গা আপনারা ঘুরতে পারেন। এ খুবই ইন্টারেস্টিং, একদিনের জন্যে। এছাড়া আরও টাইম দিলে আরও ভালো ভালো যে জায়গা আছে ঘোরার জন্যে, তো কমসে কম আপ লোক এখানে এলে দুটো রাত আর তিনটে দিন সাথে নিলে ম্যাক্সিমাম জায়গা আপ লোক কভার হয়ে যাবে এই উমিদ রাখ। আর আমি ফিজিক্যালি এখানে ঘুরেছি, জানি সমস্ত এরিয়া, সেই জন্য আপনাদের বলছি। ওকে ভাই লোক, আমি आप लोगों को दूसरे दिन का जो विजिट है उसी के चलते हुए आप लोगों को अर्ली मॉर्निंग में 8 बजे के अंदर नहा धो के तैयार हो लीजिएगा, साथ में ब्रेकफास्ट वगैरह करके रेडी हो जाइए। अभी आप लोगों को लेके जाएंगे दुर्गाना टेम्पल जो सिल्वर टेम्पल के नाम पे जाना जाता है, और ये टेम्पल रेलवे स्टेशन से 400 मीटर दूर में है। और ये एक्चुअली ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, और ये मंदिर 700 साल का पुराना, बहुत ही प्राचीन टाइम से इसका पूजा अर्चना चल रहा है। और इसके साथ इधर आप लोगों को माँ शीतला माता का मूर्ति मिलेगा, चामुंडा का मूर्ति मिलेगा, उसके साथ दुर्गा माता का मंदिर मिलेगा, साथ में आप लोगों को बजरंग बली हनुमान का मंदिर मिलेगा जो कि एक इसका सराउंडिंग एरिया में। उसके साथ भोले बाबा का मिलेगा। तो जो भाई लोग अगर इसमें पूजा अर्चना वगैरह करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। इसके एंट्रेंस के सामने पहले शॉप पड़ेगा,
अब लोग चाहे तो पहले शॉप के क्या क्या सामान मिलते हैं, प्रसाद वगैरह मिलता है, मीठ क्या क्या स्वीट वगैरह मिलता है, वो आपको पहले देख के आके उसी के हिसाब से आप लोगों को उससे आगे दो कदम आगे ये उसका काउंटर है, उसी काउंटर में पर्चा बना लीजिएगा और उसके साथ वो जो दर्शाए और रेट वगैरह सब कुछ उसी को देख देख के आप लोग प्रसाद वगैरह लेके उसका चारों तरफ जो सराउंडिंग एरिया घूम लीजिएगा। ये आप लोगों को एंट्रेंस करते आप लोगों को लगेगा गोल्डन टेम्पल में ही पहुंच गया। ये एक्चुअली गोल्डन टेम्पल का ही अनुकरण जैसे है, पूरा हुआ हो गोल्डन टेम्पल जैसे, इसी में बीच में लक्ष्मी नारायण का मूर्ति है और इसमें आप लोग दर्शन करिएगा और पूरा एरिया आप लोग घूम लीजिएगा। इसी जगह में एक जगह शनि देवता का मंदिर है, उसमें भी कभी आप लोग पूजा अर्चना कर लीजिएगा। इसी जगह में आप लोग 8 से 10 बजे तक स्पेंड करिएगा। 10 बजे के बाद आप लोगों को हम लेके जाएंगे, जैसे ज़्यादा दूर नहीं है, हेलगढ़ से 3 किलोमीटर दूर है, और उसी हिसाब से टैक्सी वगैरह ये सब भी ज़्यादा ज़्यादा 3 किलोमीटर के रेडियस में सब प्रेजेंट है। तो इसी से इधर से आप लोगों को लेके जाएंगे राजा रणजीत सिंह म्यूजियम। राजा रणजीत सिंह म्यूजियम में आप लोगों को ये बता दूं, ये राजा रणजीत सिंह म्यूजियम का टाइम टेबल सुबह 10 बजे से शाम को 7-5 बजे तक, और मंडे को क्लोज रहता है, 10 रुपये का टिकट लेते हैं। और ये कोशिश करेगा अर्ली मॉर्निंग में घूमने का, क्यों ना, ये अर्ली मॉर्निंग में घूमने से इसमें थोड़ा टेम्परेचर कम रहता है, हम लोगों को दस ये नॉन ए सी के चलते इधर थोड़ा गर्मी रहता है, इसलिए गर्मी के टाइम में तो और ज़्यादा परेशानी होना पड़ता है, जो कि आप लोगों को 10 मिनट इसके ये म्यूजियम में अंदर जाओगे उसको टिक नहीं पाओगे। तो इसलिए ज़्यादा ज़्यादा फेवर करेंगे ठंडी के मौसम में इसी की जगह में आने के लिए, इसलिए बताया जाता है। और इसके साथ साथ एक रामबाग है, रामबाग का भी आप लोग साथ साथ में टूर कर लीजिएगा और कुछ बाग गार्डन में बैठ लीजिएगा। तो इस दर ही 10 से 11:30 बजे तक कंप्लीट, 1 घंटा में कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को लेके चलेंगे पार्टीशन म्यूजियम, ये हॉल गेट के नज़दीक है, जो आप लोग रात को डिनर वगैरह किया था, जो इसके साथ ये पार्टीशन म्यूजियम में आप लोगों को 10 रुपये का टिकट है, इसका भी वही टर्म्स कंडीशन, मंडे को क्लोज रहता है सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। और इसमें एक गाइड का फैसिलिटी है, अगर 250 रुपये दोगे तो आप लोगों को गाइड मिल जाएगा, जो वो गाइड आप लोगों को और चीज़ के बारे में आप लोगों को बारीकी से जानकारी देगा। ये है पार्टीशन म्यूजियम। इसके बाद ये पार्टीशन म्यूजियम में ख़त्म होने के बाद आप लोगों को विजिट ख़त्म हो जाने के बाद आप लोगों को कोई शॉपिंग में इंटरेस्ट है शॉपिंग कर सकते हो। इसमें इसके जैसे हॉल बाज़ार, गुरु बाज़ार, कटरा जयमाल सिंह मार्केट, लाहौरी गेट मार्केट, शास्त्री मार्केट, ये सब बढ़िया मार्केट है, जो कि आप लोगों को ये कपड़े का, ऑर्नामेंट का, ज्वेलरी का, चाहे आर्टिफिशियल हो, वो में और गोल्ड का भी मिल
मिलता है जो अब लोगों को, इसलिए इसके शॉपिंग कर सकते हो। ये जे हॉल बाजार आप लोग मिलेगा क्लोथिंग, फुटवेयर, फूड आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट्स और किरीफन। और ये गुरु बाज़ार में ज्वेलरी का वैरायटीज है, अब लोगों को अफोर्ड जो पता हो उसी हिसाब से आप लोगों को ज्वेलरी का, चाहे सिटी गोल्ड हो चाहे जो आप लोग गोल्ड का भी, अभी आप लोगों को लेके जाएंगे इधर से गुरु गोविंद फोर्ट में लेके जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को 4:30 बजे तक, अगर जितना हो सके आप लोगों को जो मार्केटिंग कर लिया शॉपिंग ओके वगैरह, तो अभी अभी आप लोगों को 4:30 बजे गोविंद बाग फोर्ट में पहुंचना है। तो इसी इधर गोविंद गौर फोर्ट में आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा, एक कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग होता है। और इसमें आप लोगों को 4:30 बजे ले जाने का मकसद यही है, इधर 5 बजे से एक लेजर शो होता है, उसी लेजर शो का आनंद उठाने के लिए। और ये लेजर शो के साथ उसके साथ लाइटिंग का एक शो होता है जो कि किले के बारे में कुछ दर्शाता है, और लाइटिंग का शो होता है। तो इसी में आप लोग ये सब चीज़ आप लोग भरपूर आनंद उठाए। उसके बाद आप लोगों को अपना अपना होटल में जाइए, पूरा दिन भर घुमा और थक गया हो, अगले दिन आप लोग को चाहे रिटर्न बैक करना है तो रिटर्न बैक कर सकते हो, अगर और एक दिन दे सकते हो तो आप लोगों के लिए और एक ही अच्छा सनसेट के लिए, अगर और एक दिन का टाइम दे सकते हो घूमने के लिए तो और एक जगह अच्छा जगह है घूमने, वो सनसिटी का आप लोगों को घुमा सकते हैं, जो कि ये दो पार्क है, एम्यूजमेंट पार्क और वाटर पार्क, उसमें वैरायटी किस्म का है। तो उसमें आप लोगों को ये एम्यूजमेंट पार्क का रेट 350 रुपया, वाटर पार्क का 600 रुपये, लेकिन कम्बो पैक लेने से 700 रुपये में हो जाता है, तो इसी का मज़ा ले सकते हो। इसके साथ हमारा ये जो पहले से बताया तो कि इधर का ट्रांसपोर्टेड का हमें बताएंगे, रेफर करेंगे जो कि हो सर्विस, जो हिप ऑन हिप हॉप का नाम पे जाना चाहिए, जो हम भी श्रद्धे.com में आप लोगों को इसका पूरा डिटेल मिलेगा, लेकिन इसके पैकेज के बारे में आप लोग उसी कॉन्टैक्ट नंबर के साथ बात करो तो उसी बताए। तो इतना ही था हमारा। ओके दोस्तों, जय हिंद।